आए दिन देखते हैं कि बोधगया में घटनाएं होती रहती हैं, पुलिस का वहाँ पे क्या रोल है, कैसा रोल है पुलिस थाने का? इसी से जान पड़ता है कि 55 साल का अधेड़ उम्र का आदमी सोनू मांझी जी देखें जहाँ पर पुलिस पोस्ट है। हाँ देखिए पेपर में आया है जिसका बोधगया में जी ओझा गुनी के नाम पर अधेड़ को की हत्या जी। पुलिस पोस्ट से मात्र 200 मीटर के दूरी पर उपाध्याय बिगा कर रहने वाला सोनू मांझी एक दिन पहले उसका परिवार पुलिस के जाता है कि हमारा परिवार को पेड़ में बांध के मार रहा है, पुलिस बल नहीं जाती है। जब उसका एकदम मरण सन अवस्था में आता है तब पुलिस गई और जाकर के समझिए उसका लास्ट खाली फॉर्मेलिटी के लिए दिखाया। आज दिन में इसका मर्डर हो रहा है, दिन में मौत हो रहा है, ये बोधगया की हालत है। कैसे यहाँ पर्यटक आएंगे, कैसे विकास होगा, कैसे ये होगा? और यहाँ का पुलिस की तो रवैया देसी विदेशी सबके साथ वैसे ही है ना, कि वो कोई खास कोऑपरेटिव नहीं है। पुलिस जो कोऑपरेट होना चाहिए वो कोऑपरेट नहीं करती है। थाना में अगर जाइए नॉर्मल आदमी उसको बैठने के लिए भी नहीं कहता है, और तो और अब गणमान आदमी भी जाता है उसको देखते हैं कि लगता है कि ये हमारे से कुछ लेने आया है क्या आया। अरे थाना में लोग सताए हुए जाते हैं, इंसाफ के लिए जाते हैं, जिसको दर्द होता है कि हमारे साथ ना इंसाफी हो रहा है, या थाना जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। पुलिस को उसको कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन वहाँ का पुलिस कोऑपरेटिव नहीं है, वो सिर्फ अपना दोहन करती है पुलिस, जिसका ना जायज नाजायज कुछ नहीं देखती है, जो अपना उनके कुछ खास लोग हैं उनके बताए इशारे पर चलते हैं। विदेशियों को भी ठगा जा रहा है उनके साथ, विदेशियों के भी वहाँ पर बहुत से NGO है, ये सब है, सब में ठगा जा रहा है। और उन लोग भी कितना FIR हो रहा है, कितना को नहीं हो रहा है, ये रवैया देसी विदेशी सबके साथ हो चाहिए यही।